टुडे वी विल गोना लर्न सम कॉमन डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस पैरासाइट्स एंड फंजाई. सो स्टार्ट करते हैं वायरसेस से. कुछ कॉमन डिजीज हैं, कौन कौन से वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है ये पढ़ेंगे इस वीडियो में आज हम. सो फर्स्ट है पोलियो वायरस. पोलियो वायरस से पोलियो कॉज होता है, पोलियो डिजीज होती है एंड इस डिजीज़ का फुल नेम है पोलियो माइलिटिस. सेकेंड है हेपेटाइटिस वायरस ए बी एंड सी. इससे डिजीज़ होती है हेपेटाइटिस बीमारी. डिजीज़ मीन्स बीमारी होती है ऑर्गेनिजम्स एज यू ऑलरेडी नो. रूबी वायरस से होता है रूबेला. मिसल्स वायरस से मिसल्स होता है डिजीज़ होती है. मम्स वायरस से मम्स डिजीज़. रेस्पिरेटरी साइंसिशियल वायरस से होता है, सेंसिशियल वायरस से होता है ब्रोंकियोलिटिस. ब्रोंकियोलिटिस ऑर्थोमिक्सो वायरसेस से इन्फ्लुएंजा कॉज होता है एंड रेनो वायरस कोरोना वायरस कॉमन कोल्ड होता है. इससे रेबडो वायरस से रेबीज होता है एंड रेबडो वायरस डॉगी के बाइट करने से ये बॉडी में एंटर करता है एंड रेबीज कॉज कर देता है. पेपिलोमा वायरस से वार्ट्स डिजीज होती है. हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस से हर्पेटिक अल्सर्स होते हैं. वेरिसेला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स शिंगल्स होते हैं एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इससे एड्स कॉज होती है. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये. फ्लेवी वायरस से येलो फीवर डेंगी फीवर होता है. रोटा वायरस से गैस्ट्रो एंटेरिटिस डिजीज़ होती है. सो ये तो था वायरस के बारे में. नाउ अब पढ़ते हैं पैरासाइट से कौन कौन सी बीमारियां होती है. तो पैरासाइट्स में आते हैं प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं. सो प्रोटोजोआ है फर्स्ट प्लाज्मोडियम स्पीशीज से मलेरिया होता है. फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलेज मॉस्किटो. जैसे मच्छर फीमेल है एंड जैसे बाइट करेगी तो ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज होती है प्रोटोजोन्स को प्रोटोजोआ को बॉडी में छोड़ देते हैं एंड इससे मलेरिया कॉज होता है. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है इससे. ट्राइपेनोजोमा स्पीशीज से स्लीपिंग सिकनेस होती है. चेगास डिजीज़ होती है. लिशमैनिया डोनोवेनाई से काला आजार होता है एंड एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है डिजीज़. एमेबियासिस एमेबिक डायसेंट्री जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से होता है जियार्डियासिस. अब आते हैं कुछ हेलमेंट्स पे. फर्स्ट है टेनिया सोलियम इससे डिजीज़ होती है सिस्टिसरकोसिस एंड सेकेंड एकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसिस इससे डिजीज़ होती है हाइड्रेटेड डिजीज़ एंड थर्ड है बिलहर्जियासिस. द प्रोनंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स आर सो डिफिकल्ट. नेक्स्ट आते हैं फंजाई पे. सो फर्स्ट है कैंडिडा एल्बिकंस इससे कैंडिडियासिस ओरल थ्रश होता है एंड क्रिस्टोकोकस नियोफामन से मेनिनजाइटिस डिजीज़ होती है. डर्मेटोफाइट्स रिंग वॉर्म डिजीज़ होती है इससे. हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से प्लाज्मोसिस होता है. एस्परजिलस स्पीशीज से होती है एस्परजिलोसिस. सो ये कुछ डिजीज़ कॉमन डिजीज़ थी जो वायरस से पैरासाइट से एंड फंजाई से होने वाली थी. होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.